क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सुन, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को क्या करना है, भाग करना है, ठीक है। भाग करने के बाद उनको जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है। जांच करना है कि गुणनखंड है कि नहीं, हमें भाग करके जांच करनी है, ठीक है। बहुपद होगा या नहीं, बहुपद का गुणनखंड होगा या नहीं होगा, ये कैसे पता चलेगा, जब हम पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करेंगे, अगर शेषफल हमारा क्या आ जाए, जीरो, अगर हमारा शेषफल आ जाए जीरो तो वो एक गुणनखंड होगा, अगर शेषफल जीरो नहीं आ रहा तो वो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया, गुणनखंड होगा कि नहीं होगा, अगर शेषफल कितना आए जीरो तो गुणनखंड होगा, अगर शेषफल नहीं आए तो शेषफल आए तो गुणनखंड नहीं होगा। तो कैसे करते हैं, पहला सवाल क्या, टी स्क्वायर माइनस टी, इसको हम भाग करेंगे, टू टी फोर प्लस थ्री टी टू माइनस टू टी स्क्वायर माइनस नाइन टी माइनस ट्वेल्व, ठीक है। हमें इसकी भाग करनी है, इसको भाग करते हैं, ये टी स्क्वायर है, हमें चाहिए टू टी फोर, तो हमें क्या टू से और टी स्क्वायर से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कितना होगा, टू टी फोर, ठीक है। अब इसकी गुणा इससे होगी तो प्लस माइनस माइनस दो तीन छः सिक्स टी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये टी स्क्वायर यहाँ है ना, इसलिए माइनस का सिक्स टी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, ये सेम कैंसिल जीरो, क्या आया मतलब प्लस का थ्री टी टू, ये देखो प्लस माइनस माइनस और छः से दो गया चार, अब साइन कौन सा बड़े वाले का लेंगे प्लस का, प्लस फोर टी स्क्वायर, शेष जो बचा उसे नोट कर लेंगे माइनस फोर। हमें क्या चाहिए, थ्री टी क्यूब है क्या हमारे पास, टी स्क्वायर, टी स्क्वायर देखो कितने से गुणा करेंगे, प्लस थ्री टी से, ठीक है। अब थ्री की थ्री स्क्वायर से टी क्यूब हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस तीन तीन नौ नाइनटीन, ठीक है, माइनस नाइनटीन हो गया, प्लस था माइनस प्लस था सॉरी माइनस था तो प्लस, ये सेम था कैंसिल कट के जीरो, ये सेम था कट के जीरो, क्या हमारे पास बचा प्लस फोर टी स्क्वायर माइनस था ट्वेल्व, हमें क्या चाहिए फोर टी स्क्वायर, यहाँ कितना है टी, यानी कि हमें प्लस फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस फोर से मल्टीप्लाई करेंगे कितना देगा, फोर टी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस चार तीन बारह माइनस बारह, ठीक है, माइनस प्लस कट गया ना, शेष पर कितना है जीरो, शेष पर हमारे जीरो ना, तो अतः हम क्या लिख देंगे, अतः टी स्क्वायर माइनस थ्री टू टी की पावर फोर प्लस थ्री टी क्यूब माइनस टू टी स्क्वायर माइनस नाइनटी माइनस बारह का एक गुणनखंड है, सेकंड सवाल, सेकंड सवाल पहला बहुपद क्या, प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस थ्री एक्स प्लस वन से हमको भाग करना है इसको, थ्री एक्स की पावर फोर प्लस फाइव एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, भाग करते हैं, अगर शेषफल हमारा जीरो आ गया तो ये इसका एक गुणनखंड होगा, अगर नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा, चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर है हमें क्या चाहिए थ्री एक्स की पावर फोर, तो हमें थ्री एक्स स्क्वायर से गुणा कर देंगे, एक्स स्क्वायर गुणे थ्री एक्स स्क्वायर क्या होता है थ्री एक्स की पावर फोर, यहाँ रहेगा थ्री एक्स पावर फोर, अब इसकी गुणा इससे होगी थ्री थ्री जा नाइन, प्लस साइन की गुणा होती है माइनस माइनस प्लस, थ्री थ्री जा नाइन, और एक्स टू
एक्स स्क्वायर की गुणा एक्स से तो एक्स क्यूब बन जाता है, यानी कि 9x क्यूब की गुणा इससे 3x स्क्वायर बन गया 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस था माइनस प्लस था माइनस प्लस था माइनस ये कैंसिल, ये देखो प्लस माइनस 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 का होल x की पावर 3 माइनस माइनस प्लस माइनस का 10 एक्स स्क्वायर ठीक है, फिर बचा हमारा तो प्लस 2x हमें चाहिए माइनस का x क्यूब प्लस है ना, तो माइनस 4x क्या हो जाएगा माइनस 4x क्यूब ठीक है, अब इसकी गुणा इससे होगी फोर तेजा तो माइनस का 12x स्क्वायर इसकी गुणा इससे प्लस माइनस 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 का 4x माइनस था प्लस माइनस था प्लस माइनस था प्लस ये सेम कैसे प्लस माइनस माइनस कितना बचेगा 2x स्क्वायर 12 से 10 गया 2 बचा 2x स्क्वायर प्लस 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 हो जाएगा यानी कि कितना दे प्लस 6x प्लस 2 कितना हो x स्क्वायर कैसे ये 2x स्क्वायर यहां है कितना x स्क्वायर यानी कि प्लस 2 से ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर इसकी गुणा से 3 दुना 6 प्लस का 6x इसकी से यानी कि 2 बन जा 2 माइनस 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 ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कितना आ गया 0 0 आ गया ना तो क्या अतः x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का 1 गुणनखंड होगा या है देखो तीसरा नंबर था x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 x 5 माइनस 4 x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इसको भाग कर यहाँ पास कितना है x की पावर 5 यहाँ कितना x की पावर 3 यानी कि 2 कम है यानी कि कितना पूरा करना है x इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा इसकी पावर 5 इसकी गुणा इससे करते हैं प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 3x क्यूब इससे करेंगे तो प्लस x स्क्वायर माइनस प्लस प्लस एक्स ने माइनस कट के 0 हो गया प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले के यानी कि माइनस का x x क्यूब माइनस प्लस माइनस कट गया क्या बचा हुआ है 3x प्लस 1 अभी भी क्या चाहिए माइनस का x क्यूब यहां कितना है प्लस का इसलिए कितने से करेंगे माइनस 1 से माइनस 1 से करेंगे माइनस से x क्यूब माइनस माइनस प्लस 3x माइनस प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस प्लस ये कैंसिल ये कैंसिल ये प्लस प्लस 2 हमारा कितना शेष आ गया 2 इसका मतलब क्या ये गुणनखंड नहीं है ठीक है अतः x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 x 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का एक गुणनखंड नहीं है क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5
कि अन्य शून्यांक ज्ञात कीजिए। क्या हमें अन्य शून्यांक ज्ञात करने हैं? यदि इसके दो शून्यांक अंडर रूट 5/3 और माइनस अंडर रूट 5/3 दिए हुए हैं, मतलब हमें क्या x के मान निकालने, हमें पता ना किसी बहुपद के कितने अधिकतम मान हो सकते हैं x के, जितनी उसकी पावर होती है। इसकी कितनी पावर है? 4। इसलिए इसके अधिकतम शून्यांक कितने हो सकते हैं? 4। ठीक है, दो हमें दे रखे हैं, दो और हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो ये देखो x बराबर अंडर रूट 5/3 दिया हुआ है, और ये देखो दिया हुआ x बराबर माइनस अंडर रूट 5/3। एक शून्य के दिया हुआ, एक शून्य के दिया, ये जब प्लस का इधर आएगा क्या होता है, माइनस को देगा, अंडर रूट 5/3 हो जाएगा बराबर 0 होता है ना। देखो x बराबर ये माइनस का इधर हो जाएगा प्लस, इसके दो ये शून्यांक, अब ये दो इसके गुणनखंड आ गए। ठीक है, गुणनखंड को हम ऐसे कर लिखते हैं, एक हमने सरसंख्या पढ़ रखी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर, क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट 5/3 का स्क्वायर। देखो ये x स्क्वायर ये खुल जाएगा ब्रैकेट, तो क्या देगा 5/3। ठीक है, हमें क्या मिला x स्क्वायर माइनस 5/3। ठीक है, अब इससे हम इस बहुपद को भाग करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिला है x स्क्वायर माइनस 5/3। ठीक है, इससे हमको इसको भाग करना है, लेकिन हमें पता ना कभी हर में कुछ नंबर हो तो उसे गायब कर देते हैं ताकि भाग करने में आसानी रहे, तो इसको क्या करेंगे हम, तो पहले 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से इधर से, तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस ये कट जाएगा तो कितना बचेगा 5y। ठीक है, अब हम इससे भाग करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5 से, तो कितना है 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। चलो भाग करते हैं, 3x स्क्वायर है यहाँ, 3x की पावर 4 यानी कि x स्क्वायर से गुणा करनी है हमें। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3x की पावर 4, अब इसकी गुणा इससे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस यानी कि 5x स्क्वायर, यहाँ पास है तो माइनस का 5x स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, कट के 0, ये आएगा हमारे पास 6x क्यूब प्लस माइनस माइनस, और साइन इसका आ जाएगा ना बढ़ेगा, प्लस कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, और हमें क्या चाहिए 3x क्यूब, हमारे पास है कितना 3x स्क्वायर, हमें चाहिए क्या 6x क्यूब, तो हमें कितना प्लस 2x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, कितने से प्लस 2, 3 दुना 6, x से गुणा x स्क्वायर से तो x क्यूब, इसके से 5 दुना 10 प्लस माइनस माइनस यानी 10x माइनस का 10x तो उसमें लगेगा माइनस का 10x, x के नीचे लिखेंगे ना माइनस का था प्लस का था माइनस, माइनस था तो प्लस, ये देखो कैंसिल ये कैंसिल, ठीक है ना, प्लस का 3x स्क्वायर माइनस 5 सेम है ना, तो कितनी बार लग जाएगा प्लस 1, तो 3x स्क्वायर माइनस 5 ये माइनस से प्लस से कट गया ना 0, हमारे पास क्या आया भागफल आया ना, इसकी गुणनखंड कर लेते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अब इसके हम गुणनखंड करेंगे ना समझाएंगे याद करने के लिए। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, गुणा करने पे कितना है 1, जोड़ने पे 2, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 x प्लस 1, देखो x की गुणा कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस x प्लस x प्लस 1, तो इसमें x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 1, इसमें क्या कॉमन आ जाएगा प्लस का 1 यानी कि x प्लस 1, ये तो हमारे पास गुणनखंड क्या आ गया x प्लस 1
दूसरा एक्स प्लस वन, यानी कि यहाँ से हम शून्यांक याद कर लेंगे, एक्स प्लस वन बराबर जीरो, तो एक्स बराबर माइनस वन, ठीक है। दूसरा गुणनखंड क्या आएगा हमारे पास, एक्स प्लस वन बराबर जीरो, तो एक्स बराबर माइनस वन, यानी कि हमारे दो शून्यांक और कौन कौन से आ गए, एक तो माइनस वन और दूसरा भी माइनस वन, अन्य दो शून्यांक क्या क्या है, माइनस वन और माइनस वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर क्या दिया हुआ है, x क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस टू को एक बहुपद g x से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस टू और माइनस टू एक्स प्लस फोर है, तो g x ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, g x मतलब भाजक, कि भाज्य हमें निकालना है, भाज्य, ठीक है। हमने एक प्रमेय पढ़ रखी है, भाजक बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, पढ़ा है ना ये, हमें ये दिया है हमको ये दिया है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, भाज्य, भाजक क्या होता था, पी एक्स होता था, ठीक है। ये क्या होता था, जी एक्स, ये क्यू एक्स, और ये क्या है, आर एक्स, ठीक है, या आर, ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। देखो पी एक्स दिया हुआ है, क्यू एक्स दिया है, आर दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, जी एक्स, पी एक्स की जगह ये रखने, पी एक्स का मान x क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू बराबर जी एक्स, हमें ज्ञात करना है, क्यू एक्स क्या है, ये है ना x माइनस टू, ठीक है, प्लस ये माइनस टू एक्स प्लस, ये देखो प्लस का है, इधर आएगा का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर जी एच गुड़े एक्स माइनस टू, ठीक है। अब देखो ये ब्रैकेट खोल लो, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू माइनस माइनस प्लस टू एक्स माइनस प्लस माइनस ये फोर जी एच गुड़े में एक्स माइनस टू, देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये देखो प्लस का एक्स है, ये प्लस का टू एक्स है, जुड़ के क्या हो जाएगा, थ्री एक्स, ये थ्री एक्स हो जाएगा, ये देखो प्लस माइनस 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 का टू, ठीक है, जी एक्स बुढ़े एक्स एक्स माइनस टू, ये देखो बुढ़े में जो इधर का आ जाएगा बड्डे में, यानी कि जी एक्स बराबर हमें क्या मिला, x क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू बटे एक्स माइनस टू, ठीक है। अब हम इसको इससे भाग दे देंगे, x माइनस टू भाग कर दो, x क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सॉरी माइनस टू, क्या माइनस टू भाग कर दीजिए, भाग करेंगे देखो x है x क्यूब चाहिए तो x स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा x क्यूब, इसकी गुणा इससे तो प्लस माइनस माइनस यानी कि 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये प्लस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस यानी कि कितना देगा, 3 से 2 गया 1, और ये बड़ा रहेगा साइन माइनस x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 2, ये बचा। अब हमें क्या चाहिए, माइनस का x स्क्वायर यानी कि माइनस x से हम गुणा कर देंगे, इसलिए कहते हैं माइनस x स्क्वायर इसकी गुणा इससे तो प्लस 2x, क्या हो जाएगा प्लस 2, माइनस था प्लस प्लस था माइनस, ये सेम कैंसिल जीरो, प्लस माइनस माइनस यानी कितना बचा x माइनस 2 रिवर्स, है ना, कितना आया प्लस 1, ठीक है, देखा x माइनस 2 कट गया, ठीक है। समझ में आया, तो gx हमारा क्या क्या, ये
तो जी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन।